पहला पत्रस अध्याय 1:7 और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। It is written in one of the scriptures in the Bible that trials are brought upon us are more precious to us than gold itself. Amen. बाइबल के वचनों में से एक वचन में ये लिखा है कि परीक्षा हम पर लाई जाती है, वह हमारे लिए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। For it is God giving us these trials. क्योंकि ये परीक्षाएं परमेश्वर हमें दे रहा है। After we become his property, our confession and our baptism and our promise to walk in life for him, then every trial that comes up on us is to perfect us for his glory. Amen. जब हम उसकी जायदाद बन जाते हैं, हमारा अंगीकार करना और हमारा बपतिस्मा और उसके लिए जीवन में चलने की हमारी प्रतिज्ञा, तो हर एक परीक्षा जो हम पर आती है वह हमें सिद्ध करने के लिए है, जो उसकी महिमा के लिए है। It's to bring us to a place where God can make himself more real to us than he was before the trial came. Amen. यह हमें एक ऐसे स्थान पर लाने के लिए है जहां खुदा अपने आप को हमारे लिए और अधिक वास्तविक बना सकता है जितना वो परीक्षाओं के आने से पहले वास्तविक था। I want to join in this morning with Job to say that I've lived long enough to know that's the truth. Amen. मैं आज सुबह अय्यूब के साथ जुड़ना चाहता हूं ताकि यह कह सकूं कि मैं जानने के लिए काफी लंबा जी चुका हूं कि यह सच्चाई है। I have seen it in my own life that every time a great situation rises that I can't get around it or under or over it. मैंने इसे अपने खुद के जीवन में देखा है कि जब कोई भी बड़ी परिस्थिति ऊपर आती है कि मैं उसके आसपास या उसके नीचे या उसके ऊपर नहीं जा सकता, परमेश्वर एक रास्ते को बनाता है और महिमामय तरीके से बाहर निकालता है। God makes a way and comes out glorious. I just wonder how his grace ever does it, but he does it. मैं सोचता हूं कि उसका अनुग्रह यह कैसे करता है, लेकिन वो इसे करता है।